स्टेरॉइड्स काम करते हैं, ठीक है, काम बिल्कुल करते हैं, नो डाउट करते हैं, और बहुत मस्त काम करते हैं। सो आज जिससे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट बॉडी बिल्डर्स है, बॉडी बिल्डर, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर, ये वाला बॉडी बिल्डर नहीं जो मैं बनता रहता हूँ ना बिना किसी कंपटीशन में जाए हुए, असली बॉडी बिल्डर, और मेरे लिए असली माल लाया जो मुझे पसंद है वो है चॉकलेट। सो लेट्स वेलकम लक्ष भाटिया ऑन आवर चैनल। हाउ आर यू ब्रो? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ। यार मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जब भी मैं किसी ऐसे बॉडी बिल्डर को देखता हूँ ना असलियत में अपनी आंखों के सामने, ऐसे मैंने जिंदगी में ज्यादा बॉडी बिल्डर से मिला नहीं हूँ, कम बॉडी बिल्डर से मिला हूँ, वो जब देखता हूँ ऐसा लगता है यार जैसे कोई रेसलिंग का कैरेक्टर बाहर आ गया हो ऐसा। भाई क्या एज है, एक बार एज बताओ, क्या लगता है आपको जब आप मुझसे पहली बार मिले थे आपको क्या लगता था कि मेरी एज क्या है? तुम्हारे पास ना 10 सेकंड है, तुम भी कमेंट करो, ठीक है, और मैं भी गेस करता हूँ 10 सेकंड में। मुझे यार तू लगता है 25-27। मैं बस इसी साल 20 को हूँ वैसे। 20? Are you serious? Yes. नहीं नहीं भाई मजाक मत कर रहे, देख यहाँ पे सच बोलना। अरे 20 का, यहाँ झूठ क्यों बोलूंगा आपसे भाई, ये 20 साल का है, मैं जूम कर रहा हूँ इसकी शक्ल पे देख लेना, जरा बताना ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसा मोटा था, पतला था, या क्या सीन था? यार मैं मोटा था बहुत ज्यादा पहले तो। अच्छा, काफी ज्यादा। मैंने स्टार्ट किया था अराउंड, मैं था 98 समथिंग। ओके, 98 में फैट चबी, बहुत चबी था मैं, बहुत बचपन से गोलू मोलू रहा हूँ। उस बॉडी में से इस बॉडी में अब जब डेली अपने आपको उठता है देखता है तो कैसा लगता है अंदर से? एक सपना होगा ना उस टाइम में कि भाई मेरे को भी एक ऐसे गेम कैरेक्टर की तरह लगना है, और अब कैसा लगता है जो बन गया एक्चुअली में? सबसे बड़ी बात, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने आप को देख के, आपको एनर्जी लगती है अपने अंदर कि हाँ भाई मैंने वहां से निकल के मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने ये कर लिया है और मैं करता रहूंगा, ठीक है। ये कभी, ये ऐसी जर्नी है कभी खत्म ही नहीं हो सकती आपकी, कभी खत्म नहीं होगी। लर्निंग एंड कीप ऑन बिल्डिंग योरसेल्फ, अपने आपको ग्रो करते रहोगे, ये चीज ऐसी कि आप ग्रो करते रहोगे। तो मैंने पहला कंपटीशन खेला था एमेच्योर ओलंपिया जो मुंबई में होता 2021। तब मैं मिला था, तब मैं आपसे मिला था, तब आपने मेरी बॉडी कंडीशन देखी थी। कुछ भी नहीं, जब ऐसे जैसे स्टार्ट हुआ था ना, सॉफ्ट स्किनी, बहुत सॉफ्ट, मतलब मैं पहले से काफी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देख रहा हूँ, सीखता हूँ उनकी पोजिंग वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या वर्कआउट, क्या डाइट सीखा। पर मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एमेच्योर ओलंपिया में स्टेज पे सबसे वर्स्ट में था, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वाटर लेके गया था। बॉडी बिल्डिंग ऐसी गेम है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी आप स्टेज पे खड़े हो, हर मतलब कोई भी चीज में आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप कैसे हो। मतलब यहाँ पे ये ईगो की गेम नहीं है, अगर आप हारे हो सो यू नीड टू वॉच योर कंपेटिटर्स कि भाई उनमें क्या अच्छा था और मेरे में क्या बुरा था, तभी तो उस पर इम्प्रूव कर पाओगे। एंड हियर ही इज लाइक 6 मंथ्स लेटर व्हेन आई मेट हिम नाउ इन शेरू क्लासिक, जब ये दिल्ली में हुआ तो आई वाज एस्टोनिश्ड, आई वाज लाइक भाई, और मेरा रिएक्शन भी आपने देखा होगा वीडियो में, मैं फिर से डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। वी हैव अ चैंपियन टुडे ओवर हियर विद अस, क्या बात भाई, इतनी फाड़ू कंडीशन आ रखी है ना, मजा आ गया देख के। कैसे हो भाई, आज कम्पीट कर रहे हो? हाँ भाई, बेस्ट ऑफ लक, अभी बोला नहीं जाएगा मुझे पता है, पानी वानी छोड़ो। अच्छा बोला जा रहा है सब कुछ भाई, इतनी बढ़िया कंडीशन में लास्ट टाइम ना दिसंबर में मिला था, तब तो ये ना चीट मील खा के मिला था मेरे से, एक बार फ्लेक्स कर दे। ओ नाइस, सो आई वाज एब्सोल्युटली इंप्रेस्ड। सो यार अब एक पॉइंट की बात कर लेते हैं जो सबको सुननी है एक्चुअली में, कब तक नेचुरल जर्नी चली थी और किस टाइम के बाद, लाइक कितने महीनों के बाद, हम ऐसे को डेट नहीं, हम ड्यूरेशन की बात करेंगे कि मैंने इतने महीने तक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करी और उसके बाद आई डिसाइडेड टू कम्पीट एंड देन आई वेंट इनटू मेडिसिन। मैंने अराउंड जैसे 10th 11th अपना जिम स्टार्ट किया था, तो अराउंड मैंने 3-4 साल तो मैंने नेचुरल करा है, अच्छे से करा है, अच्छे अपने स्ट्रेंथ पे काम करा। मैं अपनी फिजिक नहीं देखता था कि मैं कैसा देख रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम करता था, मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता, फिजिक अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो मैं काफ़ी देख रहा था कि भाई कॉम्पिटिशन से अब खेलते हैं यार, अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, और कोविड का टाइम था, बहुत कॉलेजेस वगैरह भी ऑफ थे सब कुछ, मैं सोचा कि मेरे पास टाइम भी है, मैं इसको टाइम दे सकता हूँ, जब मैं टाइम दे सकता हूँ मैं ज़रूर खेलूँगा। तो फिर मैंने अपने कोच से बात करी कि मुझे खेलना चाहिए, उन्होंने कहा आप खेल सकते हो। तो उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन स्टार्ट करी। मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक्चुअली में बहुत डरा हुआ था, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो ये हार्म तो करती है, साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, आप कोई भी स्टेरॉयड या मेडिसिन कुछ भी लोगे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, चाहे मिनिमम हो चाहे बहुत ज़्यादा हो, पर होते ज़रूर हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं, बाद में होंगे, पहले होंगे, उसी टाइम हो जाएंगे, एक महीने बाद होंगे। तो नेचुरली कितना वेट कम कर लिया था? नेचुरली मैं अपना वेट 60 भी लेके आया हूँ, नेचुरली एब्स निकाले हुए 38 kg हमने खत्म कर दिया था। हाँ खत्म कर दिया था, और लूज स्किन भी मेरी बहुत ही माइनर थी,
उसमें भी तो कैसे लूज स्किन का कुछ तोड़ देना चाहोगे कैसे कि वो अपने आप ही जेनेटिक था या क्या कुछ अपने किया था आप ही सही हो गया। मैंने ऐसे कोई बहुत ज्यादा कोई एब्स वर्कआउट नहीं करी कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव बंदा होता है ना हवाबाजी करता भाई मैंने ना वेट ट्रेनिंग करी कार्डियो पे ध्यान नहीं दिया किया वो किया इट इज जेनेटिक गाइज आपकी लूज स्किन कितनी है और कैसे आप उसको टाइट करोगे बाद में इट इज ऑल जेनेटिक डिपेंडेंट। आप उसको कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करूंगा और लूज स्किन नहीं आएगी। सो ही इज ऑनेस्ट भाई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। मैं खुद बोल रहा हूँ ना मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम करा। मैंने बोला ना मेरी फिजिक बाद में आती है मेरी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। जब मेरा फोकस स्ट्रेंथ पे होगा तो अपनी मैं फिजिक बार बार नहीं देखूंगा कि यार मेरे यहाँ से ये हो रहा है यार ये दिख रहा है ये दिख रहा है। अब जब मैं उसे रोज देखता रहूंगा तो हमें लगेगा यार ये तो हटी नहीं रही यार हटी नहीं रही। जब मैंने इसको छोड़ के अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया ना तो ये अपने आप ही गायब हो गई मतलब गायब ही हो गई। इनडायरेक्ट रिजल्ट्स आ गए। हाँ इनडायरेक्ट रिजल्ट्स आ गए। तो ऐसे दिमाग में क्या आया ऐसा नहीं आया कि यार मैं नेचुरली जाके स्टेज पे खड़ा हो जाता हूँ। देखो अब तुम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में जाओगे वहाँ पे आपको जाइंट मॉन्स्टर्स मिलेंगे लिटरली मॉन्स्टर्स बोलूंगा क्योंकि वो इतना अपने आप को डिप्लीट करने के बाद भी वो इतना ज़्यादा वेट कैरी करके इतना मसल कैरी करके जाते हैं। मैं तो 60 kg कैरी करके क्या जाऊँगा मतलब मैं एक वहाँ पर इतना सूखा सा बच्चा लगूंगा। मुझे ऐसा नहीं था हमें जब अच्छा देखना है जैसे मैं बैठा हुआ इसके साथ सूखा हुआ लग रहा हूँ तो इसके दिमाग में वही आया हुआ नेचुरल वर्सेस एनहांस में अगर साथ में आप दो बंदों को बिठा दोगे तो चाहे आप अपनी गेम में बहुत तगड़े हो आप एक एनहांस बंदे के सामने बेकार ही लगोगे। और बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम ऑफ कंपैरिजंस तो वही चीज उसके दिमाग में आई एंड देन यू डिसाइडेड टू गो इनटू दिस एट व्हाट एज 19 मतलब फर्स्ट कॉम्पिटिशन डिसंबर में खेला था तो तब मेरी एज 19 थी। मैं 19 में आपसे मिला था फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन में तब मैं बहुत ज्यादा अच्छी फिजिक लेके नहीं आया था ठीक है। मैं खुद बोलता हूँ कि मेरी अच्छी फिजिक नहीं थी। ये गेम ऐसी है आप हर कंपटीशन में हर साल हर दिन हर समय आप सीखोगे कि यार मैंने क्या गलती करी कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। सिर्फ इम्प्रूवमेंट की गेम है ये। मैं अब बोल रहा हूँ कि यार मैं स्टेज पे वर्स्ट था भाई मैंने एक्सेप्ट किया पर ये गेम जो है हारने की नहीं है ये जीतने की नहीं। आप कितना सीख रहे हो आप अपने आप में काम करो ठीक है। अब जैसे मैं शेरू क्लासिक से स्टेज पे उतरा ठीक है अब मैं उतर के घर में चला गया मैंने वहाँ खड़े होकर देखा कि भाई जो मेरी कैटेगरी में फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है थर्ड आ रहा है या टॉप 10 में आ रहे हैं तो भाई उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है ठीक है। तो मैंने उसे देखा कि भाई उसने ऐसा क्या किया या उसने ऐसा क्या उसकी फिजिक में दिख रहा तो फर्क था ना उनकी उनका कॉन्फिडेंस मुझसे काफ़ी ज़्यादा था। उनकी फिजिक ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी थी ठीक है तुम उनसे अच्छे नहीं थे फिजिक में बट ठीक है कोई बात नहीं तुमने सीखा ना तुमने पोजिंग देखी तुमने सब कुछ एटलीस्ट इस एज में वहां पे जाके खड़ा होने ही बहुत बड़ी बात है बिल्कुल है। एंड इज जस्ट 20 लाइक इमेजिन अगर तू बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ता एंड विद इन 10 इयर्स यू स्टिल बी यंग 30 इयर्स में क्या बन गया होगा तू लाइक कभी विजुअलाइज किया अपने आप को कि मैं अगले 10 साल के बाद क्या बॉडी बिल्डर बन चुका हूँ। यार मैं बोल रहा हूँ मैं आने वाले साल में प्रो कार्ड लेके आऊंगा और उससे आगे भी खेलूंगा मेरे को बहुत शौक है और मैं बॉडी बिल्डिंग लिटरली दिल से करता हूँ। तो भाई अब ना थोड़ा डिग इन करते हैं मेडिसिन वाली चीज में एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि जो लोगों को जानना है एक्चुअली मैं आपसे कि आपने कौन सा क्या यूज़ किया और अगर आप नहीं बताना चाहते तो क्यों नहीं बताना चाहते और अगर कुछ बताना भी चाहते हो तो वो कैसे यूज़ किया कुछ क्यों नहीं यूज़ किया तो मुझे एक बार जानना है और सबको भी जानना है कि एक्चुअली मैं एक स्टेज पे ऐसी फिजीक रेडी करने के लिए जो आपकी शेरू क्लासिक पे थी क्या लगता है कितने ड्रग्स लगते हैं कितनी मेडिसिन लगती है कितना हार्डवर्क लगता है एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो दैट नाउ। देखो मेडिसिन स्टेरॉइड ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं आपका हार्डवर्क आपका पेशेंस आपकी डेडिकेशन ये सबसे नंबर वन है ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं मेडिसिन लेके ही स्टेज पे चढ़ जाऊंगा या मेडिसिन से कुछ काम हो जाएगा ये कोई जादुई चीज़ नहीं है ये नॉर्मल एक ड्रग है जो काम करता है आपके मसल ग्रो करने में आपके फैट कम करने में इनका सिंपल काम यही होता है। और अगर कोई बंदा ये सोचे इससे इंस्पायर हो गया कि भाई तू चुप रहा फैट लॉस और मसल बिल्डिंग हो तो रहना इससे तो मैं क्या करूँगा मैं इंजेक्शन लगाऊंगा और मैं फिर जाऊँगा 4 एक्सरसाइज मारूंगा निकल के मोमोज खाऊंगा दारू पीऊंगा और फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल जीऊंगा अपना सब कुछ करूंगा। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि ये खुद तो फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की बात हो रही है भाई ठीक है ना। तो हाँ तो ऐसा होता है क्या ऐसा जादू हो जाता है कि स्टेरॉयड लेके कि अब तो स्टेरॉयड ही काम कर क्योंकि बहुत सारे ना मैंने भी जिनसे जिम में बात करी है कभी कभार वो मिसलीड करते हैं कहते हैं कि भाई वर्कआउट हो गया आधे घंटे का मैं घर जा रहा हूँ बाकी काम स्टेरॉयड करेगा ऐसा कुछ नहीं है। स्टेरॉयड मैंने बोला ना आप सिर्फ फोकस ही आपका गलत है हमेशा मैंने बोला ना फोकस इसमें इस गेम में भी अपनी फिजिक पे फोकस नहीं करता सिर्फ स्ट्रेंथ पे ही फोकस करता हूँ। अगर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अपनी हम रोज फिजिक देखता जाऊँगा कोई पॉइंट नहीं है उसका आप डे बाय डे चेंज हो गए ठीक है पर आप खुद नहीं देख पाओगे अपने आप को शीशे में कि आप भाई चेंज हो रहे हो। स्टेरॉयड्स कोई देखो स्टेरॉयड्स काम करते हैं ठीक है काम बिल्कुल करते हैं नो डाउट करते हैं और बहुत
मस्त काम करते हैं, सीधा बोलता हूँ, पर ये कोई जादुई चीज नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ स्टेरॉइड्स ही काम करते तो हर एक बंदा आपसे लेके नहीं घूम रहा होता। सही बात है, ठीक है। हर कोई नहीं, आप भी नहीं लेके, मतलब हर टाइम कोई, हर कोई भी लेके घूम रहा होता, एब्सोल्युटली स्टडीड रहता पूरे टाइम कि यार देख स्टेरॉइड काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे काम ही नहीं करते हो। तो फिर अपनी साइकिल के बारे में बताना चाहोगे? देखो ये काफी मतलब अजीब टॉपिक है, इसमें मतलब बता नहीं सकते कि मैंने क्या यूज किया, क्योंकि हमारे यहाँ, क्यों वही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तुम बता दोगे ना तुमने क्या यूज किया, तो लोग अपने आप में अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे कि यार भाई इसने ये यूज किया, इसके ऐप्स आ गए, इसके तो पेट पे भी नशे आ गए, ओ भाई साहब, भाई मैं भी ये यूज करूंगा, ठीक है। अब उसमें से बच्चे भी हो सकते हैं, इनफैक्ट बड़े भी होते हैं, ठीक है। मैं आज भी अगर यूट्यूब पे लिखूंगा ना कि गेनिंग साइकिल, कटिंग साइकिल, लोग इतने पागल हैं और लोग इतने स्टूपिड हैं कि वो लिटरली लिख के देते हैं यूट्यूब पे ऐसे कि भाई तुम ये वाली चीज ले लो, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा, ये डोज ले लो। अरे मतलब कितने तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना यार, कि अगर आप कोई बेसिक दवाई भी लेते हो तो हर एक डॉक्टर किसी को डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन देता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो आपको पे जो दवाई काम करी है, ये तो वही बात होगी जो कोविड में थोड़े से अपने आप में डॉक्टर जग गए थे ना कि ये रहा इम्यून बूस्टर, ये रही दवाई, एक ही दवाई है सबकी, भाड़ में जाओ ये लो खाओ ये वो, नहीं। सो मेडिसिन है भाई, हर किसी पर डिफरेंट रिएक्ट करती है, हर किसी की डोसेज, हर किसी की साइकिल भी डिफरेंट होती है। सो दैट इज वाई लक्ष वुड नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज इट। तो भाई ऐसा नहीं कि जैसे अब मैं ये चॉकलेट खा रहा हूँ, ठीक है, अब आप देखोगे कि अच्छा एकांश तनेजा की बॉडी ऐसी है, वो ऐसे फ्लेक्सिबल डाइटिंग करता है, लाइफस्टाइल पुट करता है अपना, अपलोड करता है कंटेंट, बर्गर पिज्जा और चॉकलेट दिखाता है, तो अब हम चॉकलेट खा लेंगे, ठीक है, वो बात ठीक है क्योंकि खाना है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मैं ना कल बीमार हो गया था और मैंने ना पैरासिटामोल की ना 2 से 3 गोलियां खा ली क्योंकि मेरा बुखार टूट नहीं रहा था, अब आप क्या सोचोगे, यार इसका बुखार टूटा था 3 पैरासिटामोल गोलियों में, अगली बार आपको बुखार होगा और आप 3 पैरासिटामोल की गोलियां साथ में खा लोगे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मिसकम्युनिकेशन, उसकी वजह से क्या होगा, आप हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हो। अलग सी बात है, कुछ बंदे होते हैं वो कटिंग के टाइम पे साइकिल लेते हैं, कुछ के बंदे होते हैं ऑफ सीजन में साइकिल लेते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो ऑल ईयर राउंड साइकिल पे रहते हैं। तेरी साइकिल कब चलती है एक्चुअली? मैं सिर्फ कंपटीशन से पहले ही यूज करता हूँ, कटिंग के टाइम पे, प्रेप के टाइम, हाँ मतलब डिपेंड करता है कि बॉडी की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से मैं यूज करता हूँ। सो मतलब अभी तू ऑफ साइकिल है? अभी मैं बिल्कुल ऑफ साइकिल हूँ, मुझे कंपटीशन के बाद से मैंने अभी तक कुछ यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं कर रहा, और यूज करना भी नहीं चाहिए, थोड़ा बॉडी को रेस्ट भी दो, आप सारा टाइम इस पे नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, तुम्हें जीतना है बहुत अच्छी बात है, जीतो बिल्कुल सही है, पर अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखो। तो जब ऑफ साइकिल आ जाते हो तो विड्रॉल इफेक्ट्स भी होते होंगे? बहुत होते हैं। देखो तो जैसे जब मैं कॉम्पिटिशन से वापस आया था तो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा लोडेड था, ठीक है, अच्छे से लोडेड था, प्रॉपर लोडेड था, तो कॉम्पिटिशन के बाद मैं ऑनेस्टली बोलूँ मुझे अराउंड 5 से 6 दिन या एक हफ्ता ले लो, मुझे नींद नहीं आई थी ढंग से, ये बात सच है, मुझे नींद नहीं आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर इतना बॉडी पे मैंने इतना डाल रखा था, इतनी बिल्कुल जीरो कार्ब डाइट, बिल्कुल पीक वीक में हम जैसे बिल्कुल जीरो कार्ब कर देते हैं या सॉल्ट बंद कर देते हैं, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, हर कोई अलग करता है, ठीक है, हर किसी की तैयारी अलग होती है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ सिर्फ, जैसे मैंने जीरो कार्ब करा था, मैंने सॉल्ट बिल्कुल बंद कर दिया था, बहुत कम कैलोरीज दे रहा था और वर्कआउट इतना ज़्यादा पुश कर रहा था, ठीक है, तो बॉडी पे इफेक्ट तो आता है, अब इतना एक्सट्रीम जा रहे हो तो ठीक है, मेंटली इफेक्ट तो करती है बॉडी। अब जैसे कंपटीशन के दिन मैंने ये सोचा था कि यार मैं ना इतना खाना खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, नेक्स्ट डे ये करूंगा, मेरा मन तक नहीं करा, मैं इतना परेशान हो गया था क्योंकि मेरी स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था बॉडी पे कि भाई मैं ढंग से सो नहीं पाया, मैं बात नहीं कर पा रहा किसी से, प्रॉब्लम्स तो होती है ना, मैं बोला ना साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, हर किसी के अलग अलग है ना। अच्छा एक बात है यार, ये क्वेश्चन तो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को भी आता होगा, जैसे फोटोशूट के टाइम पे मैं पीक वीक करता हूँ तो उस टाइम पे भाई पोटियाना बंद हो जाती है, ऐसा क्या स्टेरॉइड वालों के साथ भी होता है? प्रॉब्लम तो होती है, चाहे आप स्टेरॉइड्स ना लो, देखो हर किसी वही होता ना, हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, किसी को इतनी पॉटी आती है, किसी को पॉटी नहीं आती, ठीक है। हाँ और तू भी मेरे को बता रहा था ना यार कि पिछले कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिशन से पहले भी एक हफ्ता नहीं आई थी और इस बार ही आई, तो ऐसा क्या चेंज किया था कि जिससे डाइजेशन सही हो गई पिछले कॉम्पिटिशन और अब कॉम्पिटिशन? मैंने देखो एक तो मैंने फाइबर ऐड किया था जो होता है इसबगोल, पीक वीक में भी, पीक वीक में मैंने लिटरली प्रोटीन के अंदर इसबगोल डाल के पिया है,
ठीक है, ताकि अच्छे से वॉश आउट हो जाए। और मैंने लैक्सेटिव यूज करे थे काफी, जिससे मुझे अच्छे से फ्लश आउट हुए, मुझे ब्लोटिंग ना लगे। ठीक है, प्रॉब्लम ये हमें ब्लोटिंग लगती है जब हम फ्रेश नहीं होते। जब तक सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं होकर ब्लोटिंग लगती रहेगी, पूरा दिन खराब जाता है। ठीक है, एक्चुअली में जाता है जब तक तुम क्लियर नहीं होते। तो बस मैंने लैक्सेटिव यूज किया था, कोई भी तुम जो तुम्हें सूट करता तुम करो। भाई कैसा लग रहा है वो ऑफ सीजन में, क्या खाना किस हिसाब से खा रहे, भूख के हिसाब से, कैलोरीज के हिसाब से, क्या कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी ऑफ सीजन की? जिस दिन कंपटीशन था उस दिन हमने कार्ब लोडिंग करते हैं ना, हम लोग कार्ब लोडिंग करते हैं, बस तब से लेके अब तक कार्ब लोडिंग ही चल रही है। अच्छा, क्योंकि मैं बॉडी को और बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता। मतलब मैं जंक नहीं खाता, ऐसा नहीं कि भाई मैं कंपटीशन से खत्म होती छोले भटूरे खाने चला गया, ऐसा नहीं है। मैं घर का खाना खा रहा हूँ, सब्जी रोटी दाल रोटी। एक बार डाइट बता दे अपनी एक ब्रीफ में कि जनरली ऑफ सीजन पे सारे मील्स, मेरे को ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सारे मील्स चाहिए कि मैं ये मील वन मील टू मील थ्री ये खाता हूँ। देखो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आइडिया ले सकते हो। डाइट है, डाइट इतना नुकसान नहीं करी, खाने की चीज है। मेडिसिन का ठीक है समझ आता है, पर डाइट बता सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। डाइट की मतलब वैसे बता रहा हूँ, जैसे सुबह मैं उठते ही ओट्स खाता हूँ, चॉकलेट ओट्स। हाँ, जैसे मतलब ओट्स हो गए 100 grams, उसमें एक स्कूप प्रोटीन हो गया, डार्क चॉकलेट हो गई, कोकोआ पाउडर हो गया, उसमें मैंने बनाना डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, ये मेरी पहली मील होती है। वर्कआउट से पहले मैं जैसे पीनट बटर सैंडविच खा लेता हूँ, या पीनट बटर वैसे खा लेता हूँ 2-3 चम्मच, या कुछ भी एग खा लिया, कुछ भी खा लिया, जो मन करता है मैं खा लेता हूँ। ठीक है, मैं इतना ट्रैक नहीं करता कि मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, मैं थोड़ा इन्जॉय करना चाहता हूँ अपना ऑफ सीजन। ठीक है, बस मैं हेल्दी खाना चाहता हूँ, बस अच्छी बात है कि मैं हेल्दी खाऊंगा। ठीक है, मील टू प्री वर्कआउट मील होगी, मील टू होगी। ठीक है, अगेन अगर जब मैं पोस्ट वर्कआउट में जैसे एक स्कूप प्रोटीन पी लेता हूँ, ठीक है, उसमें मैं शेक बना लेता हूँ, उसमें स्मूदी बना लेता हूँ, कुछ भी बना लेता हूँ, पीनट बटर डाल दिया, उसमें ओट्स फिर दोबारा डाल दिए, पूरा मतलब पोस्ट वर्कआउट भी हैवी शेक होता है, हैवी शेक होता है, बढ़िया, मतलब मस्त मजा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं शाम को जैसे अगर मुझे मन होता तो मैं नारियल पानी पी लेता हूँ, या मैं कोई फ्रूट का जूस पी लेता हूँ। ठीक है, और मेरी लास्ट मील लगा लो जैसे सब्जी रोटी होती, ज्यादातर चिकन हो गया, दाल हो गई, राजमा ओनली। हाँ, 5 meals only। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग हो जाती है 5 meal में? मजाक कर रहा हूँ, अरे बहुत सारे मैं सरकास्टिक हो रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई बॉडी बिल्डर या मतलब इवन फिटनेस में ऐसा कुछ नहीं है भाई, 6 meal 8 meal खाने पड़ेंगे, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो थोड़ा सा लाइफ अलग हो जाती है बॉडी बिल्डिंग में, आपको सेल्फिश होना पड़ता है अपनी डाइट को लेकर, अपने आप को लेकर। जब तक आप बॉडी बिल्डिंग को टाइम नहीं दोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी अभी किस फॉर्म में टाइम दे रहे थे? डाइट में तो एंजॉय कर रहा है? नहीं, डाइट में बस हेल्दी खा रहा हूँ ना, घर का खाना। हाँ, मुझे घर का खाना खुशी देता है। हाँ, देसी घी की रोटी हो, पराठा हो, क्या चाहिए। और सप्लीमेंट्स में क्या चल रहा है? सप्लीमेंट्स में अभी यूज कर रहा हूँ करंटली एक तो नॉर्मल वे प्रोटीन। ओके, एंड माइक्रोज में, माइक्रो सप्लीमेंट्स? माइक्रो सप्लीमेंट्स में मैं आज तक तो कुछ यूज नहीं कर रहा, मल्टीविटामिन भी मैं ऐसे यूज नहीं करता, ओमेगा 3 भी यूज नहीं कर रहा। नहीं, स्पेसिफिक रीजन? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, नॉर्मल मैं वैसे यूज नहीं कर रहा क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कुछ तो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी बता रहा था ना। हाँ, जैसे मतलब आप सिर्फ ऑफ सीजन नहीं है वैसे भी खा सकते हो, शिलाजीत या अश्वगंधा दोनों खा सकते हो, आपकी जो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप खा सकते हो, और बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स है शिलाजीत और अश्वगंधा, ये तो मुझे क्या सबको ही पता है, ये मैं वैसे भी बोल सकता हूँ कि आप खा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ये है इसकी ऑफ सीजन डाइट, और ऑन सीजन छोड़ो यार, उसमें कुछ खाना तो होता ही नहीं, पता ही आपको, कार्ब साइक्लिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो बेसिकली अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, नेचुरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनहांस्ड की नहीं, सो इस पूरे स्ट्रक्चर में से अगर आप मेडिसिन माइनस कर देते हो, सो यू कैन इवन गो फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, एंड आई विल एनकरेज यू फॉर दैट। ठीक है, अभी तक मैंने टच नहीं किया, एंड आई थैंक लक्ष्य, क्योंकि आई रियली ट्रस्ट दिस गाय, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है इससे, एंड ऑनेस्टली मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, मैंने इससे इंस्टा पे पूछा था। हाँ, मैं बोलने वाला था, एक इंसान को चुल होती है ना कि भाई यार लेके क्या होगा, तो लेके कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा, वही है। मतलब मैंने ये लिखा था कि इफ आई वांट टू गो इनटू दिस, तो मुझे नॉलेज गेन करनी है कि क्या होता है, बिकॉज एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कभी कभार मेरे मन में भी आता है कि यार नेचुरली अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो क्या पता अगर मैं स्टेरॉइड्स डाल लूँ तो क्या हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं इट होल्ड्स मी बैक बिकॉज आई डोंट हैव एनी नॉलेज। बस एक यही रीजन है, नॉलेज ही नहीं है तो फकअप्स भी हो सकते हैं, राइट? तो मैंने सोचा कि मैं इस बंदे से पूछूं, एंड ही एब्सोल्युटली गेव मी द राइट एडवाइस, और इसने बहुत सारे लोगों को यही सेम एडवाइस दी होगी कि भाई इट इज पॉइजन एक्चुअली, एक्चुअली में। ठीक है, और आपकी प्रेफरेंस और आपकी मर्जी होनी चाहिए। मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ बॉडी बिल्डिंग से, मैं बहुत ज्यादा उसको टाइम देता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं डंबल फेंकता हूँ, मैं इनफैक्ट मैं अपनी रॉड तक नहीं टापता डेडलिफ्ट के बाद,
बहुत लोग अपनी रॉड टापते हैं, मैं नहीं टापता कभी भी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। आपके मन में एक ऐसी रिस्पेक्ट है कि एक सुपरस्टिशन भी कनेक्टेड है कि ये मेरा धर्म है, मतलब मैं मंदिर की तरह आता हूँ। जैसे आप मंदिर में चप्पल उतार के जाते हो, मैं कभी चप्पल में जिम नहीं आता, मैं हमेशा शूज में आऊंगा। अभी भी मैं भाई के जिम में बैठा हूँ और मैंने अभी भी शूज पहने हैं। आपने चप्पल पहनी है, मैंने शूज पहने हैं। मैंने सोचा ये नहीं बोलेगा, बट यस मैंने चप्पल पहनी है क्योंकि मेरे घर के ऊपर ही ताना मारना पड़ता है इसे। हाँ देखो भाई, देखो बंदा ऑफेंड हो गया है, ये है इसका ट्रू पैशन। एंड एक्चुअली मैं यार पता है, इस इंटरव्यू प्लेलिस्ट का जो इन्फ्लुएंसर्स इंटरव्यू मैंने बनाई है, इसमें आपको सिर्फ वही इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो एक्चुअली में ना आगे मुझे, जिन पर मुझे भरोसा है दिल से कि एक्चुअली में कुछ उखाड़ने वाले लाइफ में। और आज मैं ना आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सालों की बात है, एंड यू विल सी दिस गाय ऑल ओवर। ठीक है, मुझे इसका माइंडसेट से ही समझ आ रहा है, क्योंकि पता क्या है, कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है, फोकस्ड, चिल, ठीक है, एंड साथ में इंजॉयमेंट एंड हसल, ये चार चीजों का अगर डेडली कॉम्बो आपके अंदर आ गया ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता फिर। सो या खत्म करना चाहूंगा इस नोट पे जहां पे मैंने लास्ट सेंटेंस छोड़ा था, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में अब मैं आपको एनकरेज करूंगा, एंड आई माइट कम्पीट नेक्स्ट ईयर नेचुरली। एक्सपेक्ट मत करना कुछ कि मैं कुछ बढ़िया सा तगड़ा सा निकल आऊंगा, जितनी मेरा स्ट्रक्चर है इसी में ही मैं तराश पाऊंगा, नेचुरली उतना ही हो सकता है, और थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा श्रेड हो जाऊंगा। सो या लेट्स एंड दिस वीडियो टुडे ओवर हेयर। अगर आप चाहते हो कि आप लक्ष्य को YouTube पे देखना चाहते हो, क्योंकि मैंने तो बहुत ट्राई किया बट ही इज लाइक यार अभी मेरा मूड नहीं है, तो कमेंट कर देना, क्या पता इसके अंदर ये भी चुल मच जाए कि यार इतने सारे बंदे मुझे देखना चाहते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स यू ब्रो। आपका माइंडसेट और आपकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वर्ल्ड नीड्स यू, एंड आपको बनानी चाहिए YouTube वीडियोज एक्चुअली में। अगर आप भी सेम चीज सोचते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है ना भाई। ट्राई करेंगे, देखो मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैंने बोला ना कि मैं बहुत ज्यादा फोकस रहता हूँ इस चीज़। ट्राई करो, सपोर्ट आपको ऑडियंस करेगी, ठीक है ना? मैं ट्राई जरूर करूंगा, बिल्कुल। एक बार फ्लेक्स कर दे यार जाते जाते। ये वो जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट इंटरव्यू, जिसके साथ भी करवाना हो तो नीचे कॉमेंट कर देना, अगर मुझे लगेगा कि उस बंदे में सही में दम में कुछ कर सकता है, यू विल सी हिम ओवर हेयर। एंड बाय गाइज, बोल दे यार एक बार बाय करते, गुड बाय, बाय गाइज, ध्यान रखो, सेफ रहो, हेल्दी खाओ, अच्छा वर्कआउट करो, सब अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली, बाय गाइज, आई लव यू ऑल, बाय।